व्हाट इज डेड मे नेवर डाई, कहाँ सुना था ये? गेम ऑफ थ्रोन्स में. वेल, द नोवेल कोरोना वायरस गॉट नोवेलर. सो देयर इज दिस न्यू वेरिएंट ऑफ दिस ओमिक्रॉन वायरस विच इज नोन एज BF7. इस वीडियो में हम बात करेंगे BF7 के बारे में, कि कोविड के इस नए स्ट्रेन के बारे में हमें क्या मालूम है अब तक. कोविड का ओमिक्रॉन सब वेरिएंट 2021 में इमर्ज किया था. तब से अब तक में इट हैज इवॉल्व्ड इनटू मल्टीपल सब वेरिएंट्स. वन ऑफ दीज वेरिएंट्स BF7, ये रिपोर्ट किया गया है बीजिंग में, चाइना में, बहुत रैपिडली स्प्रेड होते हुए. ये वेरिएंट क्या है, क्या इससे हमें बॉदर होना चाहिए, इसमें अलग क्या है, बात करते हैं. अब तक की AIV न्यूज के मुताबिक BF7 ओमिक्रॉन का वो वेरिएंट है जो अब तक सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव पाया गया है. इट हैज गॉट शॉर्टर इंक्यूबेशन पीरियड, इट हैज गॉट मोर ट्रांसमिसिबिलिटी, एंड इट हैज गॉट हायर टेंडेंसी ऑफ इन्फेक्टिंग पीपल हु हैव बीन प्रीवियसली वैक्सीनेटेड और इन्फेक्टेड अ बोथ. चाइना में एपिडेमिक को कंट्रोल करना क्यों मुश्किल हो रहा है, इसके पीछे देर आर मल्टीपल फैक्टर्स. इसमें एक दो वायरस रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं, एंड दिस इंक्लूड्स हायर ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द वायरस एज वेल एज चांसेस ऑफ एसिम्प्टोमैटिक कैरियर स्टेट. एसिम्प्टोमैटिक कैरियर स्टेट यानी कि जिन लोगों में मैनिफेस्टेड इन्फेक्शन नहीं था, हो सकता है ये इन्फेक्शन उनके थ्रू भी ट्रांसमिट हो रहा हो, बट दीज आर ऑल प्रोबेबिलिटीज. प्रीवियस वेव्स में चाइना की एपिडेमिक कंट्रोल पॉलिसी में हुई स्ट्रिक्टनेस की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज प्रॉब्ली नॉट एक्सपोज टू द वायरस, एंड दैट इज अनदर रीजन why this virus is able to cause havoc in the country. तो क्या इसके symptoms कुछ normal coronavirus या normal COVID-19 से different है? क्या इसमें complications ज़्यादा हो सकते हैं? Symptoms of infection with BF7 are similar to symptoms caused by COVID-19. यानी symptoms में बहुत ज़्यादा difference नहीं. Primary presentation upper respiratory tract infection की है. Fever हो सकता है, sore throat हो सकता है, runny nose हो सकती है, बाकी वायरल फीवर्स की तरह फटीग हो सकता है. माइनॉरिटी पेशेंट्स में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग और डायरिया. BF7 वीकर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में कैन कॉज सम मोर प्रॉब्लम्स. तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से BF7 इज एबल टू इन्फेक्ट पीपल हु हैव बीन वैक्सीनेटेड और इन्फेक्टेड? BF7 में नॉर्मल COVID-19 से डिफरेंट क्या है? BF7 में COVID-19 के स्पाइक प्रोटीन में एक स्पेसिफिक म्यूटेशन पाया जाता है. बिकॉज ऑफ दिस म्यूटेशन द वायरस इज एबल टू इवेड द इम्यून रिस्पॉन्स, द वायरस इज एबल टू इवेड योर न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जो कि या तो इन्फेक्शन से आ रही हो या फिर वैक्सीनेशन से आ रही हो. क्या BF7 को हमने दुनिया में पहली बार होते देखा है? वेल, ऐसा नहीं है. BF7 इससे पहले भी देखा गया है US में, UK में, यूरोपियन कंट्रीज में और इंडिया में भी, बट इसका नंबर, इसका स्केल कभी भी इतना नहीं रहा है जितना कि समय चाइना में एक्सपीरियंस किया जा रहा है. BF7 को इस समय कहा जा रहा है वन ऑफ द मोस्ट कंसर्निंग वेरिएंट्स, बिकॉज एक लंबे टाइम बाद एक्सपेक्टेड है कि COVID-19 का स्पाइक, COVID-19 का पीक दोबारा से हो सकता है. वी डू नॉट एग्जैक्टली नो दैट व्हाई द सिचुएशन इज सो मच वर्स इन चाइना राइट नाउ. मेनी एक्सप्लेनेशंस हैव बीन गिवन, मेनी हाइपोथेसिस हैव बीन गिवन, बट दे आर ऑल स्पेकुलेशंस. बट ये हो तो चाइना में रहा है ना, तो इससे हमें क्या मतलब? वेल, मतलब है. मतलब क्यों है? इसका एक्सप्लेनेशन एक बहुत ही बुरे से पीजे में. व्हाट डिड COVID-19 से टू इट्स किड? वेल, इट सेड, माय चाइल्ड, वन डे यू आर गोइंग टू सी द वर्ल्ड. कुछ मंथ्स बाद ऐसा हो सकता है, या मे बी कुछ वीक्स बाद ऐसा हो सकता है कि ये ग्लोबली स्प्रेड करे. वी डू नॉट नो दैट फॉर श्योर, बट यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. व्हाट कैन वी डू बिसाइड्स दिस? मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, गेट वैक्सीनेटेड इफ यू हैवंट ऑलरेडी. ऑल्सो प्लीज व्हाट्सएप पे फालतू के र्यूमर्स मत फैलाना. शुड वी बी कंसर्न अबाउट दिस कोरोना वायरस एट ऑल? इट इज राइट नाउ इन चाइना. वेल, जस्ट लाइक लव, कोरोना वायरस डज नॉट अंडरस्टैंड बॉर्डर्स. स्टे मास्क्ड एंड स्टे सेफ.